हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है आपका हरियाणा जीके में, इससे पहले हमने एक क्लास डाल दी है आपकी पत्रिका कहानी उपन्यास से संबंधित, ये दूसरा भाग है और इसमें जो मेन फैक्ट है वो सारे कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है। तो इस सेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो पहले जो आपके जैन कवि हैं, क्वेश्चन आता है जैन कवि, जितने भी हरियाणा के जैन कवि हैं, हरियाणा के, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन कौन से जैन कवि हैं, वो नाम मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, नोट कर लेना साथ के साथ जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो पहले तो है आपके श्रीधर, कौन है श्रीधर, श्रीधर ये एक जैन कवि हैं। दूसरे हैं आपके पुष्पदत्त, पुष्पदत्त तो ये भी आपके कौन, एक जैन कवि हैं। तीसरे हैं आपके मालदेव, मालदेव तो ये भी जैन कवि हैं। सुंदरदास, सुंदरदास तो ये भी आपके कौन है, जैन कवि हैं, ठीक है, ध्यान रखना साथ के साथ नोट करना भाई। भगवती दास, भगवती दास तो ये भी आपके कौन है, जैन कवि हैं। और यहाँ से पूछ लेगा लोहाचार्य, कौन से लोहाचार्य तो ये भी आपके कौन है, जैन कवि हैं। और एक है आपके विद्यानंद, कौन है विद्यानंद, विद्यानंद तो ये भी आपके विजयानंद, ठीक है ना। ये सारे व्यक्ति कौन है आपके, तो ये जैन कवि हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध एक जैन कवि है। तो आपका अगर ऑप्शन में श्रीधर है, पुष्पदत्त है, ये दोनों आ जाए ऑप्शन में, इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले हैं, अगर ये दोनों आ जाए तो आपको श्रीधर सबसे पहले लगाना है। पहले कौन सा लगाना है आंसर, श्रीधर मानेगा। अगर श्रीधर नहीं है ऑप्शन में तो फिर आपको पुष्पदत्त लगाना है। अगर दोनों दिख जाए ऑप्शन में तो श्रीधर ही आंसर रहेगा, क्योंकि ये माना गया है क्योंकि दोनों आए एक साथ में, ठीक है। बाकी ये नहीं आए, इनमें से एक आएगा, अगर ये दोनों नहीं रहेंगे तो इनमें से एक आएगा, वही आपका आंसर रहेगा। तो ये आपके मेन फैक्ट है जैन कवियों से संबंधित। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाता हूँ भाई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से, ये टॉपिक बहुत ही जरूरी है और एक बड़ा टॉपिक है, जो मेन फैक्ट है केवल वही देखेंगे भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपका है एक है संत गरीबदास, कौन है संत गरीबदास, संत गरीबदास, संत गरीबदास छुड़ानी, ये कहाँ से हैं, छुड़ानी, छुड़ानी आपका कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन बनता है छुड़ानी आपका है झज्जर में, कहाँ पर है झज्जर में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछ लेगा संत गरीबदास का संबंध कहाँ से है, तो ये झज्जर से है। तो ये भी एक रचनाकार, रचनाकार या कवि भी हम कह सकते हैं या फिर उपन्यासकार भी हम कह सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इनके बारे में जो मेन फैक्ट है, इनका एक क्वेश्चन आता है कि हरियाणवी भाषा में, हरियाणवी भाषा में एचआर का मतलब हरियाणा भाई, ध्यान रखना, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी, किसकी अमृतवाणी, अमृतवाणी की रचना किसने की, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की, तो ध्यान रखना इसका आंसर बनेगा संत गरीबदास, कौन रहेगा संत गरीबदास, कौन है संत गरीबदास। इनकी और भी है भाई रचना, वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। बीजक पर टीका, कौन सी है बीजक, बीजक पर टीका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक है हिंजक बोध, कौन सी है हिंजक बोध, तो ये भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, पूछा है कि अमृतवाणी किसकी रचना है, संत गरीबदास की है, ठीक है। बीजक पर टीका हिंजक बोध ये आपकी दोनों किसकी हैं, तो ये आपकी दोनों भी इसी की हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले भाई आराम से, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं भाई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। आगे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपके पूछ लेगा सूरदास, मैंने करा दिया, आल्हा गीतों की रचना, क्वेश्चन आएगा आल्हा गीतों की रचना, आल्हा गीतों की रचना, आल्हा गीतों की रचना किसने की है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर बनेगा वीर मलखान, कौन है वीर मलखान, थोड़ा सा ध्यान देना, आला और उदल, कौन है आला और उदल, ये दो भाई हैं, इनका संबंध कहाँ से है, वैसे ये सिरसा से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, सिरसा से बिलोंग करते हैं, लेकिन आला गीतों की रचना वीर मलखान ने की है। और इनका स्थान पूछ लेगा तो ये भी आपके कहाँ से हैं, तो इनका संबंध भी आपका कहाँ से रहेगा, तो ये भी आपके सिरसा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है पंचायती राज, पंचायती, ठीक है ना, पंचायती राज और पंचायती राज क्यों और कैसे, पंचायती राज
क्यों और कैसे, इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो बनारसी दास गुप्ता है। कौन है? बनारसी दास गुप्ता है। ठीक है, तो ये भी आपके हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो ये बन जाएगा। वैसे क्वेश्चन आएगा, पंचायती राज की शुरुआत हरियाणा में किसके शासन में हुई? तो सीएम कौन थे उस समय? भजन लाल थे। किसकी सरकार थी? भजन लाल थे, ठीक है ना। और भजन लाल को राजनीति का चाणक्य कहते हैं। राजनीति का चाणक्य किसे कहते हैं? भजन लाल को कहते हैं, ठीक है ना। और पूछ ले राजनीतिक राजधानी कौन सा? राजनीतिक राजधानी आपकी रहेगी रोहतक, ठीक है। तो ये आपको मेन फैक्ट यहाँ से ध्यान रखने हैं, तो स्क्रीनशॉट ले भाई इसका, आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन आपके बने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से, ठीक है, तो नोट कर सकते हैं साथ के साथ। आगे क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है कई बार, गंगा जी तेरे खेत में, ठीक है ना, गंगा जी तेरे खेत में। तो ये क्वेश्चन आता है कि ये किसकी रचना है? गंगा जी तेरे खेत में, ध्यान रखना, गंगा जी तेरे खेत में किसकी रचना है? तो आपको ध्यान रखना, ये है आपकी गंगा जी तेरे खेत में, विद्याधर शास्त्री, पंडित विद्याधर शास्त्री। कई बार आपको मांगेराम भी मिल सकता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर यही रहेगा, आपको ध्यान रखना। एक है तुलसीदास शर्मा दिनेश, इनका क्वेश्चन बहुत आता भाई एग्जाम में। सबसे पहले आपको ये पता होना जरूरी है, ये आपके कहाँ से हैं? तो ये आपके भिवानी से बिलोंग करते हैं। इनकी पूछता भाई कौन कौन सी प्रमुख रचना है, तो वो नोट कर ले भाई कौन कौन सी है। श्याम सतसई, कौन सी है? श्याम सतसई, एग्जाम में काफी बार रिपीट हुई है भाई, ठीक है ना। दूसरी है सत्यवती कथा, तो ये भी एग्जाम में आई है भाई। तीसरी है इनकी मतवाली मीरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये, ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है। वैसे तो भक्त भारती भी आती है एक और, ठीक है ना, कौन सी है? भक्त भारती, थोड़ा सा ध्यान देना। इनकी जो आज तक एग्जाम में पूछी गई है, एक तो श्याम सतसाई पूछी गई है भाई, श्याम सतसाई किसकी है? तो ध्यान रखना, तुलसी शर्मा दिनेश की। कहाँ से बिलोंग करते हैं? भिवानी से बिलोंग करते हैं। सत्यवती कथा ये भी बहुत जरूरी है, मतवाली मीरा ये भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं आई है, अगर बाई चांस आ जाए तो ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले आराम से, आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को भाई, ठीक है, स्क्रीन शॉट लें। आज इसे हम कंप्लीट कर देंगे भाई जो भी है इसका। आगे आपके एक व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, श्री विष्णु प्रभाकर, इनके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर इनका पूछता भाई, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। श्री विष्णु प्रभाकर ये भी एक रचनाकार है, कौन है? रचनाकार है, और इनका संबंध भी हरियाणा से, बस इतना याद रखना है। इनकी जो कौन कौन सी रचना है वो देख लेते हैं जो एग्जाम में आती है। आदि व अंत इंपॉर्टेंट है। एक और बात, टॉपिक हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, जितनी बार देखेंगे उतना ही ज़्यादा दिमाग में बैठेगा ये टॉपिक, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। दूसरा इसका पूछ लेता है, पुल टूटने वाला है, सबसे प्राचीन पुल, ख्वाजा पुल कौन सा है? ख्वाजा पुल कहाँ पर है? फरीदाबाद में है, ध्यान रखना, प्राचीन पूछ सके तो, ठीक है ना। पुल टूटने वाली रचना भी इसी की है। अगला है इसका, धरती अब भी घूम रही है, तो ये भी किसकी है? ये भी आपकी विष्णु प्रभाकर की है। मेरा वतन कौन सी है? मेरा वतन इंपॉर्टेंट है भाई, मेरा वतन। और अगली है आपकी संघर्ष के बाद, तो ये सभी किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है, ठीक है ना। पूछ लेगा सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर आपका कहाँ पर है? तोसाम कहाँ पर है आपका? भिवानी। और किसके मंदिर सबसे ज्यादा हरियाणा में? भगवान शिव के मंदिर है। कितनी बार बताया, लगभग हर लेक्चर में ये जानकारी देता हूँ मैं आपको, ठीक है, तो नोट करें भाई, स्क्रीन शॉट लें इसका, आराम से देखें और आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ भाई, आराम से नोट कर सकते हैं।
अगर किसी ने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है पत्रिका से संबंधित, तो वो जरूर देखें, फिर इसको देखें भाई, ठीक है, दोनों तभी समझ पाएंगे भाई, वहां पर हमने बेस से कराया बिल्कुल। अगले व्यक्ति हैं आपके खुशी राम शर्मा। कौन है? खुशी राम शर्मा, खुशी राम शर्मा। थोड़ा सा ध्यान आया, दूसरे और आखिरी राज्य कवि। मैंने कई बार आपको बताया था हरियाणा के दूसरे और आखिरी राज्य कवि कौन थे, खुशी राम शर्मा है, ठीक है ना। दूसरे और आखिरी राज्य कवि कौन है, खुशी राम शर्मा है। पहले उदय भानुवंश है, उर्दू भाषा के पहले राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब है, और राष्ट्र कवि नेशनल कवि पूरे देश के थे एकमात्र दयाचंद मायना, ठीक है। तो ध्यान रखना, इनकी देख लेते भाई कौन कौन सी रचना है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होती है, ठीक है ना। युद्ध चरित्र, युद्ध चरित्र, युद्ध चरित्रम, ठीक है ना, ये एक है। एक है राणा निमंत्रण, राणा निमंत्रण, ये भी आती है भाई, ध्यान रखना राणा निमंत्रण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। एक है गुरु गोविंद सिंह, कौन सी है तीसरी, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह से ध्यान आया, दसवें गुरु थे भाई, दसवें गुरु थे सिक्कों के, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन से गुरु थे सिक्कों के, दसवें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय, पूछेगा 100% और आता है एग्जाम में। गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय कहाँ पर है, यमुनानगर में है, कहाँ पर है, यमुनानगर में है। इस संग्रहालय को आर्ट मार्शल संग्रहालय भी कहते हैं, क्वेश्चन आएगा, जो गुरु गोविंद सिंह संग्रहालय उसे आर्ट मार्शल संग्रहालय भी कहते हैं, इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, यानी कि तो गुरु गोविंद के नाम से, आर्ट मार्शल के नाम से, और तीसरा इसे ही कहते हैं हथियारों का संग्रहालय, हथियारों का संग्रहालय भी इसी को कहते हैं, और इसे कपाल मोचन के नाम से भी जानते हैं, कपाल मोचन संग्रहालय, ठीक है। और जो सिख थे भाई, जो सिख थे ये हरियाणा में, इन्होंने अपनी राजधानी लोहागढ़ को बनाया, किसको राजधानी बनाया, लोहागढ़ को राजधानी बनाया। लोहागढ़ आपका कहां पर है, यमुनानगर में है, लोहागढ़ आपका कहां पर है, यमुनानगर में है। गुरु गोविंद सिंह वो व्यक्ति थे, इसने 52 लड़ाई लड़ी थी, कितने युद्ध लड़े, 52, और 52 लड़ाई लड़ने के बाद ये आपके कपाल मोचन में यानी कि यमुनानगर आते हैं, वहां पर ये सोचते हैं कि मैं आगे से अब लड़ाई या युद्ध नहीं करूंगा, अपने हथियारों का त्याग कर देते हैं, अपने हथियार को वहीं पर धोने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद ये फिर कभी लड़ाई नहीं करते हैं, ठीक है ना। इनके जो हथियार हैं इसी संग्रहालय में है, तो उनसे संबंधित है, तो ये कहानी के तौर पर भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट लें और आगे देखते हैं कौन कौन से मेन फैक्ट बनेंगे इस टॉपिक से और भी, ठीक है। स्क्रीन शॉट लें भाई साथ के साथ। आगे देखते हैं, एक है राजा हर्षवर्धन, तो मैंने कल ही करा दिया था आपको, ठीक है ना। आगे जो आपके मेन फैक्ट हैं वो है आपके हेमराज निर्गम। कौन है? हेमराज, हेमराज निर्गम। इनके बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये भी एक रचनाकार है भाई, एक रचनाकार या उपन्यासकार या कहानीकार जो भी है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इनकी लिख लेते हैं भाई कौन कौन सी प्रमुख है, ठीक है ना। सीप के मोती कौन कौन सी है जो एग्जाम में बनती है बार बार, सीप के मोती इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सीप के मोती किसकी है, तो हेमराज निर्गम की रहेगी, ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन, मुझे भूल जाना, मुझे भूल जाना, ठीक है, तो ये भी किसकी है, इसी की है। तीसरी है लाल बहादुर, लाल बहादुर इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसी की रहेगी। अगला है टूटे बंधन, टूटे बंधन इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। बसंत फिर आएगा, बसंत फिर आएगा, ठीक है। छठी इसकी है तराशे हुए पत्थर, तराशे हुए पत्थर, ठीक है। मुझे भूल जाना ये लिख दिया, तो ये इनके भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह की छह एग्जाम में आती है भाई, ध्यान रखना। पूछ लेगा सीप के मोती, तराशे हुए पत्थर, बसंत फिर आएगा, मुझे भूल जाना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जो मेन फैक्ट है मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, तो यहां से भी आपके ये क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे एक है सूफी साहित्यकार, कौन है सूफी साहित्यकार, उनके बारे में भी जानकारी दे रहा हूं भाई, ठीक है ना। उनका भी एक ही शब्द से संबंध है, पूछ लेता है सूफी साहित्यकार, सूफी साहित्यकार आपके गुलाम कादिर है, कौन है गुलाम कादिर है, ठीक है ना।
सूफी साहित्यकार आपके कौन है, गुलाम कादर है। इनके एक ही शब्द से आप याद कर सकते हैं, इनकी जो भी रचना है जो भी है वो है इनकी प्रेम लहर। प्रेम शब्द आएगा इनकी में, ध्यान रखना, तकरीबन 90% प्रेम लहर। दूसरी है प्रेम वाणी, कौन सी है इनकी, प्रेम वाणी, ठीक है। तीसरी है प्रेम का प्याला, प्रेम का प्याला, ठीक है। और चौथी है इंतखाब, चौथी कौन सी है, इंतखाब। तो बस ये याद रखना, इनसे बाहर कुछ नहीं पूछता इनके बारे में। तो ये भी एक मेन क्वेश्चन यहाँ से आपके बन सकते हैं। प्रेम से कुछ फीलिंग आ रही होगी, कुछ तो ऐसे होंगे, है ना, तो ठीक है ना। प्रेम दो तरीके के होते हैं, आप समझते हैं वैसे, तो इसका यही यहाँ से बनेगा बस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे आपके पूछ लेगा हरियाणा लोक मंच की स्थापना, क्वेश्चन आएगा हरियाणा लोक मंच की स्थापना, पूछ लेगा हरियाणा लोकमंच की स्थापना कब हुई है, 1963 में हुई है भाई, कब हुई है, 1963 में हुई है, और किसके द्वारा, राजा राम शास्त्री, राजा राम शास्त्री के द्वारा। लेकिन 1963 में एक क्वेश्चन और बता रहा हूं साथ के साथ, धातु उपमुख्यालय, धातु उपमुख्यालय की स्थापना भी कब हुई थी, 1963 में, ठीक है। कहां पर इसकी स्थापना की गई है, मेवात में, कहां पर है आपका मुख्यालय, आपका मेवात में रहेगा, तो इसकी स्थापना भी आपकी यहीं पर की गई। वैसे खनिजों का शहर आपका कौन सा है, महेंद्रगढ़ है, तो नोट करें भाई। अगला, हरियाणा का प्रमुख गरीबदास साहित्यकार, गरीबदास साहित्यकार किसे कहते हैं भाई, गरीबदास साहित्यकार, तो ये है आपके संत नित्यानंद, कौन है, संत नित्यानंद, संत नित्यानंद, संत नित्यानंद, ठीक है ना। तो ये गरीबदास के नाम से जाने जाते हैं। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो और देख लेते हैं, दो चार क्वेश्चन है, फिर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई, ठीक है। जो मेन फैक्ट है वो मैंने सारे करा दिए भाई, ठीक है। तो कुछ वो लिख रहा हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं जो सीधे आते हैं। पूछ लेगा मेहंदी रचे हाथ, पूछेगा मेहंदी रचे हाथ किसकी है, ठीक है। माटी का मोल किसकी रचना है, तो पहला है मेहंदी रचे हाथ, जय, ये आपकी रमेश चंद्र जैन की, रमेश चंद्र जैन। दूसरा आएगा माटी का मोल, माटी का मोल, ठीक है ना, या बूढ़ी सुहागन, बूढ़ी सुहागन, ये दोनों किसकी है, माटी का मोल या बूढ़ी सुहागन, तो ये दोनों है जय नारायण कौशिक की, जय नारायण कौशिक की है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। जय नारायण कौशिक की कौन सी है, माटी का मोल है, बूढ़ी सुहागन है, इम्पोर्टेंट, दोनों एग्जाम में आते हैं, ऐसी पूछ लेगा। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र जैन के, ये भी आते हैं। अगला पूछेगा आपसे वन और पहाड़ियां, ठीक है ना, पूछ लेगा वन और पहाड़ियां, तो ये आपकी किसकी है, उर्मी किरसन की है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उर्मी किरसन की रहेंगी, ठीक है, नोट करते रहना। दूसरा है आपका अंधा सफर, कौन सा है, अंधा सफर, ठीक है ना, तो ये आपकी किरसन मदहोश, किरसन मदहोश, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तीसरा आपका बनेगा, तीसरा है आपका लाल पसीना, लाल पसीना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अभिमन्यु, अभिमन्यु अनंत, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आपका बनेगा गाम की ओर, गाम की ओर, तो ये किसकी है, मधुकांत, गाम की ओर किसकी है, मधुकांत। और अपने पराए कौन सी है, अपने पराए, ठीक है, जाने अनजाने, तो ये आपको ध्यान रखना, शशि कुमार सिंगल, शशि कुमार सिंगल। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो भाई मैंने बोल दिया साथ के साथ, तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो थे मेन फैक्ट जितने भी थे, सारे क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिए भाई अच्छे तरीके से, और जो भी इसका बेस है उससे भी ऊपर अच्छे लेवल तक जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे कंप्लीट करवाए हैं मैंने भाई, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। दो भाग में हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया, पार्ट वन पार्ट टू में, ये पार्ट टू है, पार्ट वन अगर नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना एक बार। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।